इस आज प्रोटेस्ट में आप शामिल हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें उसको, कुछ कहने के लिए उसने छोड़ा हो तब ना। सारी जनता कितनी दुखी है, गरीब लोगों का पेट काट काट के उसने बंगला बना लिया, उसको शर्म नहीं आती? उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्यों के बुजुर्गों के लिए पेंशन नहीं बनाई, राशन कार्ड नहीं बनवाए गरीबों के लिए, और कहता है कि मैं जब उसने आया था तो उसने क्या वादे किए थे? अपने बेटे तक की कसम खाई थी कि मैं सिर्फ दो बंगलों, दो कमरों के सेट में रहूंगा और मैं कुछ भी अपनी सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा। अब आज कैसे उसको ये बंगले याद आ रहे हैं? आज वो प्रधानमंत्री जी के बराबरी कर रहा है। अरे पहले प्रधानमंत्री बन तो सही, तभी तो प्रधानमंत्री का बंगला लेगा। वो क्या प्रधानमंत्री जी का अपना है, वो सरकार का बंगला है। उसको शर्म नहीं आती, इसलिए उसको डूब के मर जाना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। और तूने गरीब लोगों का पैसा खा खा के तो यहाँ बैठा आराम से, तो तुझे डूब के मर जाना चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी की वजह से नाम आ गया राघव चड्ढा का। अब राघव चड्ढा लगातार बोल रहे हैं इस रेनोवेशन को लेकर, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि इसलिए अब ईडी की चार्जशीट में शराब घोटाले में राघव चड्ढा का नाम आया। शराब घोटाला हो चाहे कोई सा भी घोटाला हो, आप ये देख सकते हैं दिल्ली की आम जनता का पैसा है वो, वृद्धावस्था पेंशन हो चाहे कुछ भी हो, इन्होंने सभी कुछ में, राशन कार्ड है, बच्चों की शिक्षा को लेकर है, सभी में घोटाले किए हैं। और वो घोटाला कहाँ जा रहा है वो आपको दिख भी रहा है। कौन किसी के भी, कितने बड़े नेता हो गए हैं, किसी के घर में इतना पैसा नहीं लगा है जितना कि आप देख रहे हैं केजरीवाल ने लगाया है। 8 लाख के पर्दे आपका वियतनाम से, आप सुन ही रहे हैं कि ये सब आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर है। राघव चड्ढा जी भी अब पार्टी का साथ तो देंगे ही, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं कहीं। दोबारा से आपके पास आना पड़ रहा है, सुबह केजरीवाल संजय सिंह का नाम था तब सवाल पूछा था, अब राघव चड्ढा का नाम आ रहा है। इनके धीरे धीरे, इनके सारे मंत्री, इनके नेता, इनके विधायक, इनके सबके धीरे धीरे सबकी पोल खुल रही है और ये धीरे धीरे सारे जेल जा रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी, अब केजरीवाल का नंबर है। धीरे धीरे इनके सारे ही लोग भ्रष्ट हैं और सारे ही जेल जाएंगे। आपका क्या नाम है मैम? आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके हाथ में मैं तख्ती देख रहा हूँ, जनता की 45 करोड़ की गाड़ी कमाई केजरीवाल ने शीश महल सजाने में। मेरा नाम गायत्री राठौर है और मैं मौजपुर से आई हूँ। और केजरीवाल ने जब चुनाव पहली बार लड़ा था तो अपना ईमानदारी का शीशा सबको दिखाया और गली गली में गाना गाया कि मैं ईमानदार हूँ, मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं आप में से ही एक आम आदमी हूँ। लेकिन आज गद्दी पर बैठने के बाद केजरीवाल की सारी पोल खुल गई, उसके सारे मंत्री भ्रष्ट, वो भ्रष्ट, और जितनी भी जनता की कमाई है वो अपने ऐशो आराम में उड़ा रहा है। वो कहता था मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, सेवक हूँ। अगर सेवक इतना रईस होता है तो गरीब आदमी कैसा होता है? मैं तो केजरीवाल से यही कहूंगी कि आपने झूठ बोल बोल कर जनता को इतना परेशान किया है कि जनता आपसे बहुत ज़्यादा दुखी है और जनता आपसे यही प्रार्थना कर रही है कि आप, अब बहुत हो गया आपका राज केजरीवाल जी, अब आप इस्तीफा दो। आपने शराब के ठेके खोलकर पहले जनता को परेशान किया। आप घोटाले में आज बड़ा अपडेट आया है, यहाँ पर ईडी ने जो चार्जशीट दिया उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल का ही प्लान था, दिल्ली की नहीं आपका। अरविंद केजरीवाल का ही पूरा प्लान था, वो कहीं भी सामने नहीं आते हैं, लेकिन हर काम के पीछे मुखिया वही हैं, राजा वही हैं, जो वो कहते हैं वही करते हैं। सारे मंत्री उनके उनके उसमें रहते हैं, कंट्रोल में, वो जैसा बोलते हैं वैसा मंत्री बोलते हैं। केजरीवाल की बिना मर्जी के कोई कुछ नहीं हो सकता है, वो सरकार में है, उनका पावर है। MCD के एक भी कर्मचारी के पैसे नहीं देते हैं। सिर्फ स्कूलों में मैंने देखा कि स्कूल में बच्चे बैठे हैं, टीचरें नहीं हैं, टीचरें कहाँ से आएंगी जब वो पैसा ही नहीं देंगे, उनकी तनख्वाह ही नहीं देंगे। सब बच्चों के इस भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और शिक्षा का मॉडल दिखाते हैं, कहाँ शिक्षा का मॉडल है? केजरीवाल जी से मैं कहूँगी आप खुद आकर देखो, मेरे घर के सामने प्राइमरी स्कूल है, काम वालियों के बच्चे उसमें जाते हैं, वो आके रोना रोती हैं कि एक भी टीचर नहीं आ रहा है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों का फ्यूचर सारा गड्ढे में जा रहा है। क्या करें सरकारी स्कूलों में आके? फिर आप एजुकेशन मॉडल दिखा रहे हो, कहाँ एजुकेशन मॉडल हो रहा है? कोई एजुकेशन मॉडल नहीं हो रहा, सब जगह दोगलेबाजी, धांधलेबाजी, हर जगह सिर्फ अपना पेट भरा जा रहा है उनका, पब्लिक के लिए कुछ नहीं हो रहा है। खुद आकर देखें केजरीवाल जी। मैं ये कहना चाह रही थी, जब केजरीवाल जी पहली बार लड़े थे तो क्या उनके पास क्या था? सफ़ेद चादर बिछा के 10-10 रुपए लोगों से इकट्ठे किए थे, तो सबको ये लगा अकबर इसके पास कुछ नहीं है तो इसको जिताना चाहिए, ये नया बदलाव लाएगा, देश की सेवा करेगा। अब इसके पास इतना 45 करोड़ का बंगला बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया? ये सब जनता का पैसा है ना, तो जनता का गला घोटने का हक है क्या उनको? इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया था क्या? आप बताओ।
तो नहीं है। मैं वही तो कह रही, गरीबों के लिए इसके पास पेंशन के लिए पैसा नहीं, 60 साल वालों की पेंशन नहीं बनाई जिस दिन से ये गद्दी पे बैठा है। अब दिल्ली को तो इसने लूट लिया, अब इसको बाहर की उसमें क्या नाम है यूपी में जाके लूटने के लगी है क्या, क्या करेगा ये? अब जनता समझ गई है, अब इसके बहकावे में नहीं आएगी। बहुत बहका लिया इसने, बहुत लूट लिया दिल्ली को। इसलिए मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि इस्तीफा दे दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये दिल्ली की जनता का भी आप पर रोष लगातार देख रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ आम भी जनता यहाँ पर पहुँची हुई है, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई है, और भी जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मैं मधु चावला, जिले में वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। क्या कहेंगे, ये लगातार जो है धरना दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कब तक ये चलेगा, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक केजरीवाल को पद से हटा नहीं लेंगे, जब तक ये रिजाइन नहीं दे देंगे, जब तक ये जेल नहीं चले जाएंगे, तब तक हम यहाँ पर ऐसे ही धरने में बैठे रहेंगे। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है? मीना देवी। केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना चाहिए। लगातार हर कोई यही इस्तीफे की बात कर रहा है। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? आज आप इस प्रोटेस्ट में बैठे हैं और तख्ती आपके हाथ में, केजरीवाल राजनीति बदलने आए थे, पर्दे मार्बल और कालीन बदलने में लग गए, शर्म। भाई केजरीवाल बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, और ये जो वादे किए थे आम आदमी बनकर जीने के, वो भी बंगले पे पैसे खर्च कर रहा है इतने, हम यहाँ पर बैठकर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर अनिश्चितकाल धरने की, तो यहाँ पर जितनी संख्या में बीजेपी के आपको कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, उतनी भारी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी यहाँ पर आई है। जो महिला कार्यकर्ता बीजेपी की है उनसे हम बात करेंगे, वो भी लगातार कल भी हम देख रहे थे धरने पर बैठी हुई थी। अभी एक और इसमें नया नया खुलासा हो रहा है, अभी ये खुलासा हुआ है, जो पुराना घर था केजरीवाल का उसको तोड़कर पूरा उसमें गार्डन में तब्दील कर दिया गया, पूरा उतने एरिया का गार्डन बन गया। इन्होंने जनता का पैसा या तो विज्ञापनों पर खर्च करा है, और या फिर अपने घर में रेनोवेशन करने में करा खत्म किया है। इन्होंने 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए हैं, इन्होंने जनता का सारे पैसे का दुरुपयोग ज्यादा किया है, और हम लोग इस बात का जनता तक पहुंचाएंगे। जब जनता त्राही त्राही कर रही थी कोरोना काल में, जनता घरों में दवाइयों के लिए मांग कर रही थी, ऑक्सीजन के लिए मांग कर रही थी, तब ये अपने घर को रेनोवेशन करने में लगे हुए थे। इनका एक भी कार्यकर्ता धरती जमीन पर नहीं था, ना ही किसी की मदद कर रहा था और ना ही किसी का, और ये कुर्सी लेके बैठे हुए हैं। जब तक ये यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक इसी तरीके से हम लोग धरना करते रहेंगे। देखिए और भी महिला कार्यकर्ता यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। पहले अरविंद केजरीवाल का आवास 399 स्क्वायर मीटर में था, वो शायद उनको छोटा पड़ गया, 1212 स्क्वायर मीटर का वो घर हो गया है। बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी का यही कहना, इसने दिल्ली की जनता को लूटा है, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे इसने अपने घर में रेनोवेशन में लगाए हैं, दिल्ली की जनता के बुजुर्गों की पेंशन नहीं आज के टाइम में, राशन कार्ड नहीं बना रहे, जो पांच लाख की बीमा योजना वो लागू नहीं कर रही, इसने अपना घर भरा सारा। सारे लोग यूपी से आके दिल्ली में सुविधा ले रहे हैं उसकी, हेल्थ इंश्योरेंस की, लेकिन दिल्ली में इसने अभी तक लागू नहीं किया, अपने घर की सब सुविधा कर रखी है, सारा पैसा अपने घर में लगाया है। जिस टाइम दिल्ली की जनता कोरोना से जूझ रही थी उस टाइम ये स्विमिंग पूल बना रहा था अपने घर में। देखा 8 लाख का पड़ता, कभी 8 लाख का पड़ता? बिल्कुल नहीं देखा, हमने तो सुना ही पहली बार है 8 लाख का पड़ता। हमारे लोगों के घर में तो 250 का पड़ता है, इसके घर में 8 लाख का एक गरीब आदमी का घर बनता है, इसने पर्दा लगाया कहाँ का? ये वो गरीब आदमी अपना पूरा घर बना लेता है 8 लाख रुपए में, और इसका सिर्फ एक पर्दा है 8 लाख का, शर्म आनी चाहिए इसको, दिल्ली की जनता को लूट रहा है, दिल्ली की जनता को लूट रहा है, इसने शर्म होनी चाहिए। अपने बच्चों को देखे ना क्या क्या बनाया, गरीब जनता के बच्चों के लिए क्या सोचा इसने? आपके घर में टीवी कितने रुपए का लगा? केजरीवाल जी की बात कीजिए, 10 लाख का टीवी है उनके घर में। 10 टीवी 1 करोड़ में। हाँ जी, जो दिल्ली का विकास करने आए थे, देश का विकास करने आए थे, वो अपना विकास करने में लग गए हैं। अब तक ऐसे बीजेपी धरने पर बैठी रहेगी? वो तो ना हमें अंदर आने दे रहे हैं, किसी को भी तो अंदर, हम भी गए थे, बुला नहीं रहे। जब तक केजरीवाल जी को जेल ना भेज दें, तिहाड़ ना भेज दें, तब तक हम बैठे रहेंगे। अच्छा, लेकिन नाम अब तो उनका शराब घोटाले में सामने आ रहा है। ईडी का कहना है कि जो आबकारी नीति थी, आज सुबह चार्जशीट दाखिल हुई है, कि वो केजरीवाल का ही प्लान था।
आबकारी नीति जो शराब नीति आई थी, वो तो हर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो चाहे शराब नीति हो या करोड़ों का 45 करोड़ का घोटाला हो, जो उन्होंने अपने घर का विकास करा है वो हमारी दिल्ली का विकास के पैसा था जिसको उन्होंने अपने घर के विकास में लगाया है, और जब तक वो जेल नहीं जाएंगे तब तक हम बैठे हैं। प्रदर्शन हम देख रहे हैं लगातार, बीजेपी निकाल रही है, लेकिन शराब घोटाले में भी बड़ा अपडेट आ रहा है, केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है, संजय सिंह का नाम सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया ने केजरीवाल के जितने भी काले कारनामे थे उसको उजागर किया, इसके लिए मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ उत्तर पूर्वी जिले के सभी कार्यकर्ता, कल से पूरे दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने ठाना है कि हम यहाँ केजरीवाल ने ये जो घोटाला किया है 45 करोड़ रुपए का, जनता की गाड़ी कमाई को केवल और केवल अपने ऐशो आराम पे लौटाना कहीं तक भी तर्कसंगत नहीं है। मुख्यमंत्री होने के नाते जिस वजह से वो आए थे, गरीबों का मसीहा बनकर, उनका बेटा बनकर, उस झूठ को वो लेकर आगे बढ़े, और आज उन्होंने उसी जनता के साथ विश्वासघात किया है। केजरीवाल जी, नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए, और जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप याद रखिएगा, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, और जिस तरह से आप ऐशो आराम में लिप्त हैं और आपके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये सरासर गलत है, और आपको जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल जी का जो भी पार्टी के लोग हैं आपके, धीरे धीरे एक एक करके एक एक का सच सामने आता जा रहा है। पहले वो मनोज सिसोदिया जी की कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, अब वो जेल में एक एक करके अब सबका नंबर आया है। जब केजरीवाल जी का नंबर आया, जब लोगों की आंखें खुली, जब समझ में आया कि आखिर दिल्ली का पैसा गया कहां, खुद तो फ्री करने के चक्कर में उन्होंने जो अपना जो किया वो तो किया, अपना घर भरा कि अपने घर की शान और शौकत की, मैं गरीबों का बेटा हूँ कि मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा, और उनकी पर्सनैलिटी एक कहते हैं उन्होंने बस अम्बानी जी बनने की ठानी नहीं, मतलब वो भी समझ लो राजनीति के तौर पे बन जाते हैं, क्योंकि उनके घर के पर्दे से लेके एक एक चीज की सच्चाई सामने आ रही है। और जबकि वो कहते थे मैं कुछ भी नहीं लूंगा, स्विमिंग पूल लो, हर चीज लो, लोगों के घर पीने का पानी नहीं है, उनके घर में स्विमिंग पूल इतने इतने बड़े, हर सामान और हर चीज में जो भी घोटाले जो भी कुछ हुए उनका मैक्सिमम सबका हाथ उसी चीज में आता जा रहा है। और आगे चल के मुझे यही लगता है कि केजरीवाल जी जो भी है, जितना पब्लिक का धन इन्होंने कमाया, खर्चा सब इनके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 45 करोड़ रुपए का जो इन्होंने राजमहल में लगाया है वो अब पब्लिक के सामने आया है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं का आप घर देख लो, किसका घर में करोड़ों का है कि लाखों के पर्दे लगे हुए हैं, मगर केजरीवाल जी के घर में देखिए शान और शौकत की कोई कमी नहीं है, दिखाने की एक अलग ही बात है।